बदलते भारत की शान। हर गांव स्वच्छ है, हर घर जल है, पानी हर नल से आता है। जल जीवन दाता है। जल के प्रति हमारी भारतीय संस्कृति में अपार श्रद्धा है। हम यूं ही नहीं अपनी नदियों को माँ का दर्जा देते हैं। जल हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और हमारी भौतिक एवं आध्यात्मिक यात्रा के लिए कल्याणकारी माना गया है। मैं अपनी और आपकी इसी हर घर जल की कहानी का हिस्सा बनने आज आ पहुंची हूँ देवभूमि कहे जाने वाले अपने हिमाचल प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हमारे भारत के वर्तमान उपलब्धियों को सेलिब्रेट करते हुए पहुंच चुकी हूं देवभूमि हिमाचल प्रदेश। जी हां दोस्तों, मैं ऋषिता भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं फिर से उस जगह पर जो पौराणिक रूप और टूरिज्म के तौर पर बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। जी हां, मैं बात कर रही हूं उस जगह की जिसे हम प्यार से कहते हैं छोटी काशी। खूबसूरत दोस्तों, मैं अब ले चलती हूँ आपको मंडी के गांव बल्ट, जो जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत की कमाल की सफलता के लिए पहचाना जाता है। चलिए, देर किस बात की। हिमाचल प्रदेश पूरे भारत का एक पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और मैं भी यहाँ कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार की मेरी ये यात्रा कुछ अनूठी है। थोड़ी देर पहले ही मंडी के बल्ट गांव के पंचायत के एक मेंबर से मोबाइल पर बात हुई है और वो मुझे बल्ट गांव में जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर गाइड करने वाले हैं। जो गाना गाया और हमें दिखाया, वो क्यों तुम लोगों ने मुझे दिखाया? ये सफाई के बारे में, क्या धोने चाहिए और नहाना चाहिए, गंदगी फैलनी चाहिए और सुबह सुबह नहाना चाहिए। ये नहीं कि ठंड है तो नहाओ नहीं सुबह में। बिल्कुल। yes, yes, ma'am. और मुझे बताओ, जैसे कि पानी आता है घर में गरम गरम, या फिर ठंडे ठंडे पानी में नहाना पड़ता है, या फिर घर में पानी आता है मतलब नल में, क्या है मतलब? नल है। यस मैम। स्कूल के बच्चों की सफाई और पानी के प्रति जागरूकता सच में सराहनीय है और अब मैं पंचायत के एक कार्यकर्ता के साथ गांव में जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा लेने निकल पड़ी हूँ। हिमाचल का, अच्छा, यहाँ गांव के लोग रहते हैं। हाँ। काम करते हैं, गाय भैंसे पशु चराना।
एक सेकंड आइए ना। हाँ जी। ये जो पानी आप लाई है बाल्टी में भर के कहाँ से लाई है? नल से लाया हम जी। पहले क्या करते थे? ये तो बस अभी अभी हुआ होगा ना? पहले हम कुएं से लाते थे जी। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि जल जीवन मिशन के आने से पहले गांव की औरतें पीने का पानी मीलों दूर बावड़ियों से लाती थी और अक्सर पहाड़ी पगडंडियों पर सर पर पानी से भरे घड़े उठाकर चलते हुए पांव फिसल जाने से चोटिल भी हो जाती थी, लेकिन पानी लाने का ये सिलसिला जिंदगी का हिस्सा था। आज जल जीवन मिशन के आ जाने से घर घर में नल से जल है और इन औरतों को बरसों पुराने पानी के लिए अपने संघर्ष से छुटकारा मिल गया है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बल्ट गांव में जल जीवन मिशन वाकई में कमाल की सफलता प्राप्त कर चुका है और आगे भी बहुत करेगा, और ऐसे ही खुशहाल चेहरे हमें नजर आएंगे, और ये देखकर मुझे लगता ही है कि बस मेरा भारत महान। और इतनी खुशी हो रही है यहाँ आकर और ये देखकर कि हर घर में जल तो है ही, लेकिन हर घर में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान भी है। और बैठिए, और ठीक ठाक ही? बस बढ़िया। और क्या 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 हाल चाल है? बस खरे हाल चाल बेड़ा भाई, सूलत उगरी काफी असर बालता ना। बेड़ा भाई पानी पुनी भी काफी सूलत उगरी। पहले पानी तो नहीं आती थी सारा दिन बारी। पानी रिंदे भरदे संजत करो। पानी देखो क्या करना, तो दूर दूर ले आंदे। देखो पानी अभी तो मुंह वाले पानी आ गिरा। देखो बढ़िया बढ़िया सूलत बन गया। हां ये रहता होई रहा। हां बैंक होई रहा बेटा ना। पर एड़ा भाई अबे पढ़ने बच्चों पढ़ाई लिखाई सकाए, सब काम टाइमर टाइमर करी सकाए। सुविधा हुई गिरी काफी। हाँ जी हाँ, ये तो हुई गिरा बहनी। अभी क्या करना है, चलो बढ़िया है। पानी रही दुई गिरा सको स्वच्छ पानी मिले करा भैया सो बे एड़ा नहीं अजय भाई गलता भाई सब कुछ ठीक है। चलो ती ना पहले बीमारियां ते आसो बचाव न था व्यासो तेरा भी बचाव है करा। बचाव हुई गिरा सब कुछ बढ़िया। हाँ जी पहले तो देखा बच्चे भी पढ़ाना मुश्किल हुई जाए थे। पानी ढोना खेतों जाना फिर भी पानी जो जाना पानी बच्चों पढ़ाने टाइम लगता था। ये देखा मुंह वाले पानी सब कुछ बढ़िया। ये बच्चे पढ़ाओ चाहे कुछ करो अपने भाई। एक खो रोटी बनानी तो जो भी दौड़ रहे पानी जो। फिर दोपहर रे रोटी बनानी फिर भी ले आना पानी था। देवे सांझो बनाना फिर खाना खोना पी क्या करना था। वे हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एब्सोल्यूट मेरी नई स्कूटी के लिए। ओ बनो से आनी नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनाधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बल्ट जैसे पहाड़ी गांव में पानी पहुंचाने के लिए वाटर पंप्स लगाए गए हैं, ताकि पानी को वाटर सोर्स से बल्ट गांव की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके और फिर गांव के हर नल तक। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2019 से शुरू किया है, इससे हमारे को बहुत सहूलियत मिली है। आप देख रहे हैं जैसे वाल्ट विलेज जो है वो पहाड़ के ऊपर है, और ये जो पंप हाउस है ये जमीन से जुड़ा नदी के साथ है। यहाँ से हम लिफ्ट करके जो है पानी जो है जल जीवन मिशन का उन लोगों को पहुँचाया, और उसके तहत हमने 630 लोगों को हर घर जल में पानी पहुंचवाया। इसके साथ साथ हम लोग जो पानी जो प्रोवाइड करते हैं गांव में, स्थानीय अधिकारी ने मुझे बताया कि जो पानी गांव के नलों तक पहुंचाया जा रहा है उसकी प्रॉपर वाटर टेस्टिंग और प्यूरिफिकेशन करने के बाद ही सप्लाई किया जाता है। ये देखिए हम इसका pH वैल्यू का टेस्ट कर रहे हैं। पानी ना बाउडी से लाते थे आप तो उसकी pH वैल्यू कोई टेस्ट नहीं करता। अब हम इसका टेस्ट कर रहे हैं, वो देखना आपने। अब ये इसमें पानी में हमने डुबोया इसको। इस टिप है हमारी, इस टिप का आप देखना आपने कलर चेंज होगा तो इससे हम मिलाएंगे। कौन सा कलर है ये? इसके साथ मिल गया। तो ये जो है ना जो pH वैल्यू है ना वो हमारी होनी चाहिए मतलब 6.5 से लेके 8.5 के बीच में जो परमिसिबल है। अगर 7 के आसपास हो तो सबसे बेस्ट पानी है। तो इसकी 7 इसके इस रंग के साथ मिल रही है ना, तो ये इसकी वैल्यू
साथ है, तो ये पानी आपका बहुत अच्छा है पीने के लिए। जल जीवन मिशन के तहत वाटर टेस्टिंग के लिए डेडिकेटेड टेक्नीशियंस नियुक्त किए गए हैं, जो गांव में सप्लाई होने वाले पानी का रेगुलर टेस्ट करते रहते हैं। इन्हीं की रिपोर्ट्स पर बेस्ड डेटा के हिसाब से ही गांव में शुद्ध पेयजल सप्लाई होता है। यह सच में बड़ा प्रशंसनीय है कि लोगों की सहूलियत के लिए इस तरह की लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश की गई है। शुद्ध जल ही जीवन का आधार है। इन लैब्स में टेस्टिंग यही इंश्योर करती है कि नागरिकों तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचे। वाटर टेस्टिंग लैब्स देखने के बाद मैं गांव के लोकल ट्रेडिशनल खाने के बारे में जानने के लिए आ गई हूँ। वैसे अब थोड़ी भूख भी लग रही है। आज हम बाल्ट गांव में बैठे हैं। बिल्कुल। और सुबह से आज यहाँ है। हाँ। तो ये सारी महिलाएं हैं बाल्ट गांव की, इनका अपना महिला मंडल है, और इन सब ने आज बड़े ही प्यार से अपना जो हमारा देशी जो यहाँ का लोकल खाना है, तो आप लोगों ने बनाई है। हाँ। अरे माय गॉड, सबसे बड़ी बात है कि हम जब भी खाना खाने बैठते हैं सारे लोग जी, तो ऐसी लाइन में बैठते हैं, चौकड़ी लगा के बैठते हैं सारे। और हाँ, ये मुझे बिठाया जैसे, हाँ, जैसे जी। ये पत्तल है। हाँ। ये एक पत्तल होती है, शेष एक पेड़ होता है, इसमें टोरे की पत्तल बोलते हैं, और उसमें तो ये सारा इन महिलाओं ने आपके लिए बड़े प्यार से ये बनाया है। तो मैं खाऊं? हाँ, खा सकते। गांव का पारंपरिक स्वादिष्ट खाना खाने के बाद मैं यहाँ की फोक के बारे में जानने के लिए यहाँ का एक फोक सुनने आई हूँ। अच्छा। तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये देखो संगीत के लोग हैं। बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। देखो मैडम, ये तो बिल्कुल ही, ये तो संगीत की भूमि है, और इतने रंग बिरंगे कपड़े, और यहाँ का जो कल्चर ट्रेडिशन, यहाँ के तो कण कण में संगीत जी, है जी, जी। पहाड़ों में, पेड़ों में, खेतों में, खलियानों में, हर जगह संगीत है। तो ये सब लोग हमारे कलाकार हैं यहाँ के, जो हमारे लोकल है यहाँ का फोक लुड्डी। आपको बताएंगे कि लुड्डी कैसे करते हैं। गांव के कुछ और लोगों ने मुझे बताया कि कैसे जल जीवन मिशन ने गांव की औरतों के सामान्य जिंदगी में एक नई रोशनी लाई है। नल में जल आने से जो है इतनी फैसिलिटी हो गई है कि औरतों के पास टाइम बच रहा है, और औरतें जो है तरह तरह के अपने अलग कार्य कर रही है। माता पिता,
मेरे गांव की महिला मंडल की औरतें और अपने खाली समय में, खाली समय क्यों मिल रहा है इनको, क्योंकि आजकल जो है घर घर नल है, नल में जल है, जिस कारण जो है इनका समय बच रहा है और उनसे इनको बेनिफिट भी हो रहा है और इनकी आर्थिक दशा भी सुदृढ़ हो रही है और इनका टाइम भी अच्छी तरह से स्पेंड हो रहा है, हंसते गाते खेलते मजे आनंद से ये अपना जीवन यापन कर रही है। ये सब किस कारण हुआ, ये स्वच्छ हिमाचल और जल जीवन मिशन जो चला हुआ है जिसके तहत इनको घर घर नल मिला, नल में साफ सुथरा जल मिला, जिससे इनका स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ और जिससे इनका जो है भविष्य भी सुधर रहा है। JJM मतलब जल जीवन मिशन के अलावा SBM के भी हमारे यहाँ हमारी पंचायत में तरह तरह के जो है कार्य हो रहे हैं। जैसे ये महिलाएं जो है समय निकाल के जो इनके जल की सुविधा हुई उसके जो इनका समय बचता है तो उस समय में ये घर गाँव में अपने अपने वार्ड में जो है कूड़ा कचरा इकट्ठा करके जो है शेड बनाया हुआ है पंचायत ने, उसमें डालकर जो है अपने गाँव को स्वच्छ कर रही है। तो उससे जो है गांव के बच्चों को और सभी लोगों को बीमारियों से बचाव हो रहा है और हमारा जो ये गांव है पूरे हिमाचल में सबसे स्वच्छ और सबसे निर्मल जल वाला गांव बना हुआ है। और संजय जी मुझे बताइए, स्वच्छ भारत मिशन जो बना है हमारा, उसमें आपने बहुत मेहनत भी की है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता का बहुत सहयोग मिलता है। जब जब भी पंचायत के निर्देश होते हैं, आह्वान होता है भारत सरकार के माध्यम से, जो भी हमें मतलब दिशा निर्देश आते हैं, नालियां बनाना, सोकपीट बनाना, अपने टॉयलेट बनाना, अपने कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए जो अलग अलग सूखा कूड़ा होता है उसके रखने के लिए, जब जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है, फिर मचमोर उसके अलावा जो जरूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे ये झाड़ू और गंदगी को उठाने के लिए, शहरों में तो होता है पेड़ कर्मचारी मिल जाते हैं, परंतु पंचायतों में संसाधन इतने बड़े नहीं हैं, यहाँ पर हमें खुद करना पड़ता है, प्रधान को भी लगना पड़ता है, सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी लगना पड़ता है, और जब जब भी हम लोगों को बोलते हैं वो आते हैं और सहयोग करते हैं, परंतु अभी तक तो किया जा रहा और बेहतर करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बल्त गांव के लोग स्वच्छता को लेकर भी बहुत जागरूक है और इन्होंने लोकल पंचायत के साथ मिलकर अपने गांव में स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाया है। गलियों के दीवारों पर स्वच्छता को लेकर स्लोगन्स पेंट किए हुए हैं, जिन्हें लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। लोगों से बातचीत करते हुए मुझे पता चला कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में न सिर्फ टॉयलेट्स बनाए गए हैं बल्कि सोप पिट्स और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शेड्स भी बनाए गए हैं। यहाँ पर पहले लोग कचरा वगैरह ऐसे ही खेतों के कोने में डालते रहते थे, अब हमें स्वच्छ भारत मिशन के कारण हमें ऐसे गाइडलाइन और सिखाया गया कि यहाँ पर या गड्ढा खोद के वो कचरा डाले या कोई ऐसा बना रहे हैं पंचायत की तरफ से, हमें ऐसा मिल रहे हैं कचरा डालने के लिए, बोतलें अलग से डाले जा रही है और लोहा कचरा वो अलग अलग से डाला जाता है, तो हमें ये चीज़ें सिखाई गई है स्वच्छ भारत मिशन के कारण, और सारे गाँव में हमारा कचरा कहीं भी नहीं डाला जाता, वो इकट्ठा करके अगर गड्ढा खोदते डालते हैं या तो ऐसे डिब्बों में डाला जाता है जैसे पंचायत की तरफ भी बताया जाता है, और हर्ष के पंचायत की तरफ से
हमारे को गांव वासियों को सिखाई जाती है। स्वच्छ भारत मिशन से पहले इस गांव में स्वच्छता के बारे में कोई खास कार्य नहीं हुए थे। जब से स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, इस गांव में हर घर में शौक पीठ बनाए गए, लोगों के शौचालय बनाए गए, सार्वजनिक शौचालय बनाए गए और पंचायत में जो प्लास्टिक वेस्ट सेग्रीगेशन सेट से वो लगाए गए। अब जो लोग हैं जो सड़कों और गलियों में जो प्लास्टिक गिरा हुआ था उसको उठा के इसमें सेग्रीगेट करके जो प्लास्टिक कलेक्शन सेट है उसमें डालते हैं। लोग आज की डेट में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखते हैं और हमारे विकासखंड की ओर से पंचायत को पूरा सहयोग स्वच्छता के बारे में समय समय दिया जाता है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कारण आई खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए गांव वासी आपको यहां मिल ही जाएंगे। कि मैं हिमाचल प्रदेश के गांव बल्ट में हूँ और यहाँ आकर जल जीवन मिशन के द्वारा लोगों के बीच कितनी खुशहाली है, हर घर में जल है। और ये कहना चाहिए कि मेरा तो दिल है कि मैं आज भी यहाँ रुक जाऊँ। वैसे कहते हैं कि पहाड़ों की परंपरा होती है कि रात को मेहमान को विदा नहीं करते हैं, तो आज रात मैं यहीं रुक जाऊंगी। मेरे अनूठे सफर में बने रहिएगा, सुबह फिर मुलाकात होगी। हिमाचल प्रदेश के एक और गाँव ले चलूंगी मैं आप सबको, लेकिन तब तक के लिए गुड नाइट एंड सी यू इन द मॉर्निंग।